गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस। आज हम स्टैंडर्ड ले नर्सरी, उसमें सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चे, पैटर्न बुक में हमारे जो पैटर्न बाकी पेजेस वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक आउट पेज नंबर 17 योर पैटर्न बुक। ओके, तो यहाँ पे हमको पैटर्न दिए गए हैं। पहले हमने लेफ्ट कर्व सीखा था, अभी हम सीखेंगे राइट कर्व, ठीक है। तो देखो, पहले हमको यहाँ पे ट्रेस करना है, आपको पेंसिल यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से रखकर और अच्छे से ट्रेस करना है, ठीक है। बिल्कुल पेंसिल यहाँ वहाँ नहीं जानी चाहिए, थोड़ी बहुत जाएगी चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। आप इधर उधर लाइन कर दो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। देखो इस तरीके से, और इसको बोलेंगे हम राइट कर्व। हमने सी सीखा था ना, तो सी हम कैसे बनाते, पहले पैटर्न सीखेंगे, उसके बाद ही हमको सी फॉर कैट लिखना आएगा, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे हमारा वन लाइन कंप्लीट होगी। ये मैंने बनाई है अपने, क्योंकि हमको यहाँ पे वन लाइन दी गई थी और ये लाइन मैंने बनाई है। अब हम डॉट से, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे टू डॉट आपको करने, डॉट को डॉट से जॉइंट करते हुए हमको कर्व बनाना है। ओके, देखो, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ से डॉट से ज़्यादा कर्व नहीं लेना, नॉर्मल लेना है बस ऐसे, ठीक है। राइट कर्व, और साथ में आपको बोलना है, ओके, राइट कर्व, राइट कर्व, राइट कर्व, राइट कर्व। ओके, उसके बाद हमको यहाँ पे सर्कल दिया गया, जैसे कि हम अभी हमने सीखे थे पहले वीडियो में ओ फॉर ऑरेंज सीखा था ना, तो हमको पैटर्न आएगा तभी हम ओ फॉर ऑरेंज अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए पहले ट्रेस करेंगे इसको, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ठीक है। ऐसे आपको सर्कल करना है पूरा, ठीक है, देखो। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये ट्रेस कंप्लीट हो गया। अब मैंने ये लाइन बनाई है ऐसी, वो आपका होमवर्क है। ओके, अब डॉट पे भी आपको ऐसे करना है। अगर आपको पूरा सर्कल नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से पहले हाफ लेना है, फिर वहीं से यहाँ से हाफ लेना है, ठीक है। आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट आता है तो आपको पूरा सर्कल, पेंसिल बिल्कुल नहीं उठानी, कंप्लीट सर्कल बना देना है ऐसे, ठीक है। देखो, ठीक है, ये अगर नहीं आ रहा तो आपको हाफ सर्कल यहाँ से लेना है और हाफ सर्कल यहाँ से लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। आज हमने सीखा राइट कर्व और सर्कल। ओके, तो अच्छे से आपको पूरा कंप्लीट करना है। अब हम सीखेंगे ओ के बाद क्या सीखेंगे, पी फॉर पैरेट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले हम नोटबुक में राइट डाउन करेंगे कैपिटल लेटर पी फॉर पेंसिल भी हो रहा होता है और पैरेट भी होता है। ओके, तो पहले हम जो यहाँ पे बिग पी लिखा है उस पर क्या करेंगे, पहले हम ट्रेस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नोटबुक में कंप्लीट करना है, उसके बाद ही हम बुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, स्टैंडिंग लाइन कर्व पी फॉर पैरेट, स्टैंडिंग लाइन कर्व पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट भी होता है, पेंसिल भी। देखो मैंने यहाँ पेंसिल की स्पेलिंग लिखी है, पी एन सी आई एन, पेंसिल। ओके, चलिए अब हम पहले ट्रेस करेंगे, पी फॉर पेंसिल सीखेंगे। पहले ट्रेस करना है आपको, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट। ओके, चलिए आगे करते हैं, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट। ओके, और ये लाइन आपका होमवर्क है। अब डॉट से करेंगे हम, तो 1 2 3 डॉट ऐसे कर देना, देखो दिख रही है आपको हर एक लाइन में, तो वहाँ से आपको डॉट से डॉट मैच करके स्टैंडिंग लाइन करके कर्व पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट। ओके, चलिए आगे करते हैं, पी फॉर पैरेट, 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 ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट करना है और लाइन टू लाइन में लिखना है, 3 लाइन्स में हमारे लेटर आते हैं तो इसमें आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट,
पी फॉर पेरेंट। ओके, ये लाइन आपका होमवर्क है। तो बच्चों आज हमने नोटबुक में सीखा पी फॉर पेरेंट। तो पहले आपको नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में इसको 4 times 5 times ट्रेस करना है। एक पेज पे आप 4 P लिख सकते हो और 4 P पे आपको 4 times ट्रेस करना है। ठीक है, अच्छे से रफ में करना है पहले। अगर रफ में आपको आगे अच्छे से, फिर आपको फेयर में आपको इस तरीके से कम्प्लीट करना है। ठीक है, चलिए नोटबुक में कम्प्लीट, अब हम बुक में करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी बुक है, प्रिंट कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो हमारा वो तक हो गया था। आज हम सीखेंगे बुक में पी फॉर पेरेंट। टेक आउट पेज नंबर 44 इन योर कैपिटल लेटर बुक। ओके, तो यहाँ पे देखो पैरेट की पिक्चर दी गई, दिख रही है आपको, और यहाँ पे मैंने पैरेट की स्पेलिंग लिखी है। ठीक है, PARROT पैरेट, ये भी आपको रीड करनी है। ठीक है, PARROT पैरेट। फिर यहाँ पे हमने पेंसिल की नोटबुक में देखी थी ना पिक्चर और स्पेलिंग। ओके, PENCIL पेंसिल, यहाँ पे भी आपको पिक्चर बनानी है, उसमें कलर करना है आपकी बुक में। ठीक है, चलिए अब हम पहले ट्रेस करेंगे, जैसे हमने नोटबुक में करा था वैसे ही। पी फॉर पैरेट, 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 पी फॉर पैरेट। ओके, 2 lines मैंने ट्रेस बताती, अब ये आपका होमवर्क है और ये डॉट से करेंगे अब हम। पी फॉर पैरेट, 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 पी फॉर पैरेट। ठीक है, ये लाइन आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे पेज नंबर 44 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे पेज नंबर 45। यहाँ पे भी हमको ट्रेस करना है पहले। ओके, उसके बाद हमको डॉट से कंप्लीट करना है। ठीक है, पी फॉर पैरेट, 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 पी फॉर पैरेट। ओके, तो 2 lines देगी तो दूसरी मैंने अपने आप बनाई है, तो आपको भी मम्मी पापा की ऐप से ऐसा पेज बनाकर उसके अच्छे से ट्रेस करना है। ठीक है, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट। ओके, चलिए आगे करते हैं। पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट। और ये लाइन आपका होमवर्क है। ठीक है, अब डॉट से करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने देखो डॉट करे दिख रहे हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टैंडिंग लाइन करके कर्व करना है। ठीक है, पी फॉर पैरेट, 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 पी फॉर पैरेट। ठीक है, ये लाइन आपका होमवर्क है। तो आज हमने बुक में सीखा पेज नंबर 44-45 में पी फॉर पैरेट। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, और अगर पहले का होमवर्क बाकी वो भी आपको कंप्लीट करके हमें व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना आपको कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, ये आपका सेम होमवर्क है। सो थैंक यू सो मच बच्चों।